बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करते हैं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल हुए इस वीडियो में राम रहीम म्यूजिक डायरेक्टर बनकर गाना बनाने की तैयारी करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राम रहीम 40 दिन के पेरोल पर जेल से बाहर है और 21 जनवरी से बागपत के बरनावा आश्रम में रह रहा है, जहां से वो अपना गाना भी लॉन्च कर चुका है, साथ ही कई ऑनलाइन सत्संग भी करता रहा है। एक म्यूजिक पीस ना जी, ट्रम्पेट में बजा के दिखाना। ओके जी, आप रिकॉर्ड करना, पहले हम बताते हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त पेरोल पर है और पेरोल के दौरान वो म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम करता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है, जो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले उसका एक गाना भी लॉन्च हो चुका है और सत्संग भी कर रहा है, और पेरोल पर बाहर आए कैदी की ये एक्टिविटीज कई सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या एक सजायाफ्ता जो पेरोल पर बाहर है वो इस तरीके की एक्टिविटी कर सकता है। सिरसा से इस वक्त विजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, गुरमीत राम रहीम का रोज एक अलग अलग अवतार इस पेरोल के दौरान नजर आ रहा, लोग अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि सजायाफ्ता जब पेरोल पर बाहर निकलता है तो पेरोल में जब आप बाहर आते हैं तो आपको एक वजह बताई जाती है कि इस कारण से मुझे पेरोल चाहिए और मुझे इस वजह से पेरोल दिया जाए, उसके बाद आपको पेरोल दिया जाता है। लेकिन गुरमीत राम रहीम तो पेरोल के दौरान कुछ अलग ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बाबा राम रहीम इन दिनों 40 दिनों की पेरोल पर हैं। हालांकि 21 जनवरी को इनको पेरोल मिली थी, जिसके बाद से ही बाबा राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल से यूपी के बागपत आश्रम में रह रहे हैं। हालांकि उनके साथ उनका शाही परिवार भी है और तमाम जो उनके पदाधिकारी हैं, जो सिरसा डेरा सच्चा सौदा से जो जुड़े हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान बाबा राम रहीम 40 दिनों की पेरोल के दौरान ही पूरी तरह से सत्संग करते नजर आ रहे हैं, लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और कहीं एक देश के नाम और एक नशे के खिलाफ एक गाना भी उन्होंने लॉन्च किया। हालांकि कल भी उनकी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बाबा राम रहीम एक गाना कंपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, इससे पहले जब बाबा राम रहीम 5 साल पहले जब सिरसा डेरा सच्चा सौदा में रहते थे, तब भी ऐसी गतिविधियां बिल्कुल जारी रखते थे। हालांकि अब जो बाबा राम रहीम को विभिन्न केसों में सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, तो ऐसे में जेल प्रशासन पर भी सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों पंजाब की SGPC ने भी बाबा राम रहीम की पैरोल को लेकर सवाल उठाए थे, हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका भी दायर की है। फिलहाल बाबा राम रहीम को इतनी आजादी देना कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर बिल्कुल सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा आमतौर पर अमूमन नहीं होता है कि अगर कोई जेल से कैदी बाहर पैरोल पर आता है तो उसको इस तरह से आजादी नहीं मिलती है। ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है कि हरियाणा सरकार और राजस्थान की यूपी की जो BJP सरकार है, वो लगता है कि बाबा राम रहीम पर ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बाबा राम रहीम को पैरोल दी है और उसके बाद से यूपी के बागपत आश्रम में बाबा राम रहीम रह रहे हैं, तो लगता है कि दोनों की जो सरकारें हैं वो बाबा राम रहीम पर ज्यादा ही मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही है। जी नहीं, लेकिन विजय सवाल ये कि मेहरबानी कब तक, और इसको लेकर अलग अलग जो तर्क दिए जा रहे हैं, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहीं पर सिरसा में डेरा का प्रमुख उनका केंद्र है, क्या चर्चा चल रही लोगों के बीच में, इतनी रियायत जो दी जा रही है इसको लेकर लोगों में बातचीत तो हो ही रही होगी, क्यों गाने लॉन्च सामने आ रहे हैं तो गानों को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, इस तरीके की जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं इन वीडियोस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? बिल्कुल, जैसे ही बाबा राम रहीम की कोई ना कोई गतिविधियां सामने आती हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड वो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो सब बातें शेयर करते हैं कि आखिरकार हरियाणा सरकार और पूरी तरह से BJP सरकार बाबा राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है, आखिर क्यों इतने केसों में सजा होने के बावजूद, उम्र कैद की सजा होने के बावजूद
बाबा राम रहीम को इतनी छूट क्यों दी जाती है, क्यों उनको बार बार पैरोल दी जाती है, क्यों उनको इतनी आजादी दी जाती है कि वो ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, ऑनलाइन ही लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और गाना कंपोज कर रहे हैं, गाना लॉन्च कर रहे हैं। अमूमन ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। अगर कोई भी कैदी जिसको उम्र कैद की सजा हुई हो या हत्या के मामले में कोई और सजा हुई हो तो अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता। कंडीशनें साफ तौर पर जेल प्रशासन की तरफ से लागू होती हैं, तो यहाँ लगता है कि बाबा राम रहीम को पूरी तरह से आजादी दी हुई है। हालांकि जेल प्रशासन पर लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार जेल प्रशासन इस पूरी तरह से बाबा राम रहीम को जो 40 दिनों की पैरोल मिली है तो उनकी गतिविधियों पर आखिर नजर क्यों नहीं रख रहा, आखिर क्यों ऐसा बाबा राम रहीम को छूट दी गई है। तो साफ तौर पर लोगों का साफ तौर पर मानना है कि बाबा राम रहीम को सरकार द्वारा ज्यादा ही छूट दी गई है। हालांकि जो डेरा विरोधी लोग हैं, भले ही पंजाब की एसजीपीसी के मेंबर हों, उनका साफ तौर पर विरोध यहां देखने को मिल रहा है कि उन्होंने साफ तौर पर बाबा राम रहीम की पैरोल के खिलाफ हाईकोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में जल्द फैसला हो सकता है। हालांकि हरियाणा के सिख जो आगू हैं वो भी लगातार इस पैरोल का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा राम रहीम को बीजेपी सरकार ने इतनी छूट क्यों दे रखी है, आखिर क्यों 40 दिन की पैरोल और इससे पहले भी 14 महीनों में चौथी बार बाबा राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है, तो इतनी आजादी क्यों, आखिर क्यों वो गाना लॉन्च कर रहे हैं, क्यों गाना कंपोज कर रहे हैं, तो इतनी आजादी अमूमन एक आम कैदी में देखने को नहीं मिलती है। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आखिरकार ये मेहरबानी क्यों है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये चार तस्वीरें देखिए, इन चार तस्वीरों के जरिए आपको पूरी कहानी समझ आपको आ जाएगी। एक कैदी है जो सजायाफ्ता है, सजा हो चुकी है, पेरोल पर वो बाहर निकलता है और पेरोल पर बाहर निकलने के बाद वो ऑनलाइन सत्संग करता है और उसके सत्संग में बड़े बड़े माननीय और वीवीआईपीज आकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि माननीयों का जो तर्क है वो भी आप अगर सुनेंगे तो आपको हंसी ही आएगी। उसके बाद वो बकायदा गाना लॉन्च करता है, फिर वो केक काटता है, जश्न मनाता है। बागपत से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कुलदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, गुरमीत राम रहीम बरनावा आश्रम में इस वक्त है, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां वो कर रहा है उसको लेकर अब सवाल सिर्फ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में नहीं उठ रहे, देश में भर से ये आवाज उठ रही है कि पेरोल में बाहर आया कैदी ऐसी गतिविधियों में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बता दूं कि संत गुरमीत राम रहीम बागपत के बरनावा गांव में स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में है और यहां पर जो 40 दिन की पैरोल संत गुरमीत राम रहीम को मिली थी तो 21 जनवरी से वो यहां पर हैं। उसके बाद से ही कई वीडियोस उनके जारी हो रहे हैं। एक वीडियो ये नया आया है जिसमें वो संगीत की जो धुन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मुंह से भी वो संगीत की धुन निकाल रहे हैं और जो उनके साथ कुछ जो लोग बैठे हुए हैं जो म्यूजिक बना रहे हैं उन्हें भी वो इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो बात है कि जिस तरीके से उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, जारी होती हैं, उन वीडियो पर काफी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके से जो पैरोल मिली है, पैरोल मिलने के बाद राम रहीम अंदर से वीडियो जारी कर रहा है, किस तरीके से उन्हें छूट मिली हुई है, ये तो जो सवाल है बड़ा सवाल है। लोग इसके खिलाफ भी जा रहे हैं, चाहे पंजाब हरियाणा में भी इस तरीके के विरोध दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वीडियो है, वीडियो अंदर से ही जो राम रहीम का आश्रम है उसके अंदर से ही, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सख्त है और यहाँ पर जो डेरा है उसके बाहर सख्त पहरा लगाया गया है और अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जी नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन जो जेल आश्रम के अंदर वो कर रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुलदीप, बिल्कुल, देखिए बता दूं कि राम रहीम डेरे के अंदर ही है और अंदर ही उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ है। जिस तरीके से जो वीडियो है उसमें देखा जा रहा है कि राम रहीम बैठे हुए हैं और उसमें जो वो संगीत की धुन निकालते हुए नजर आ रहे हैं और अन्य और भी वीडियो हो, चाहे खेती बाड़ी करते हुए उनकी वीडियो जारी हुई थी और अन्य भी, चाहे शराब को लेकर के वीडियो जारी हुई थी कि नशेखोरी को हटाना है और लोगों को, युवाओं को नशे से दूर बचाने के लिए एक मुहिम की उन्होंने वीडियो जारी की थी, अपील भी की थी लोगों से उसके बाद। लेकिन सवाल यही खड़े होते
लेते हैं, उन पर किस तरीके से जो वीडियो वायरल की जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, गाने बनाए जा रहे हैं, तो वो कहां तक उन्हें अनुमति मिली है इस तरीके की? जी